बच्चों, पिछले वीडियो में मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है इसके बारे में आपसे हम डिस्कस किए थे ना। कैलोरी क्या होता है, हीट क्या होता है, इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और 11th का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाके आप देखो, आपको समझ में आएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, मान लो कोई हमारा सब्सटेंस है 1 ग्राम लिए हैं, तो 1 ग्राम सब्सटेंस का यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर रेज करना है ना, मान लो, तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास करने का, मान लो कि कोई भी हमारा मार्कर ही है, मार्कर का हम 1 ग्राम ले लिए ना, मार्कर का 1 ग्राम लिए हैं, और उस 1 ग्राम का यदि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन हमें कितना एनर्जी चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, और आप लोग कि यदि वाटर है ना, वाटर का 1 ग्राम ले लीजिए, और वाटर का 1 ग्राम का यदि टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन आपको करना है, तो कितना आपको एनर्जी चाहिए, वही हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वाटर का, वह होता है कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड ना, या सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस या सेंटीग्रेड। इसको हम क्या कर रहे हैं, पिछले वीडियो में आपको हम बताया है कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, 4.2 जूल। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो को टाइप करो पंकज फिजिक्स सेंटर और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और उसमें हम सारा चीज यह डिस्कस किए हैं। तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो 4.2 जूल लिखे। अब ये ग्राम जो है ना, इसको क्या करोगे, किलोग्राम में चेंज करो, तो जब किलोग्राम में इसको चेंज करोगे तो 10^-3 केजी, और ये सेल्सियस है तो सेल्सियस रहने दीजिए, ये सारा कहानी। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का जो होगा वो 4200 जूल पर किलोग्राम सेल्सियस होता है, या डिग्री सेंटीग्रेड बोल लेते हैं। अब उसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम कहने का मतलब है कि वाटर को आप गर्म करके जो स्ट्रीम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं, वो सारी बात है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो हाफ होता है बच्चों, 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारा कहानी। आप कहोगे कि यह दिया रहता है, एक क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, लेकिन आप कुछ टर्म को याद करके भी रखिए। यदि वाटर का तो कहीं ना भी दिया रहे, लेकिन ये सब दिया रहता है, ना भी दिया रहे तो याद करने में क्या परेशानी है, याद करके रखना है आपको, कोई रॉकेट साइंस इसमें थोड़े है, छोटी सी बात है, याद करके रखो। अब आखिरकार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो फॉर्मूला से उसको देखो हम। ये तो थ्योरेटिकल हुआ ना, तो देखना क्या है, हम क्या बोले हैं, कोई 1 ग्राम मास का यदि हमें कोई भी सब्सटेंस है जो 1 ग्राम है, और उस 1 ग्राम का यदि टेम्परेचर हमें कितना करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो क्या करोगे, देख तो हम क्या, मान लो, लेट करो हमारा कि m जो है मास ऑफ सब्सटेंस, इसको मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं Δq। डेल्टा क्यू क्या है हमारा, कहने का मतलब है कि एम मास को हमें क्या है, यदि हम डेल्टा क्यू मतलब क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, डेल्टा क्यू हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। यदि 1 ग्राम मास है तो कितना बचेगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम ना। यदि एम ग्राम को हीट करने के लिए या टेम्परेचर देने के लिए हम कितना यूज किए हैं, डेल्टा क्यू, तो 1 ग्राम या 1 मास के लिए कितना, इतना करना पड़ेगा। यदि 1 ग्राम तो इतना है, यदि मान लो कि डेल्टा टी हमें टेम्परेचर करना है, डेल्टा टी,
तो क्या लिखोगे? डेल्टा टी के लिए हमें कितना चाहिए? डेल्टा क्यू अपॉन एम, या क्या लिखेंगे? यदि डेल्टा टी हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो इतना हमें क्या चाहिए, मतलब हीट रिक्वायर्ड चाहिए इतना ना। यदि डेल्टी हमें टेम्परेचर करना है तो कितना टेम्परेचर, मतलब इतना हीट रिक्वायर्ड चाहिए। तो यदि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन करना है तो क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू का डेल्टा टी, यही ना लिखोगे? डेल्टा टी इंटू का की डिवाइड लिखोगे। अरे इतना में डेल्टा टी है तो ए वाला टर्म, मतलब इतना हीट रिक्वायर्ड चाहिए हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के लिए क्या है हमें? डेल्टा क्यू अपॉन एम इन अपॉन क्या लिखोगे? डेल्टा टी, यही ना। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एस इक्वल टू क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, यही हमारा क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एम क्या होता है बच्चों? एम जो है मास ऑफ सब्सटेंस। चलिए डेल्टा टी क्या है हमारा? डेल्टा टी क्या बोलोगे? रेज इन टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना बढ़ा है। और क्या लिखोगे? डेल्टा टी क्यू जो है बच्चों अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो आपको याद रखना है कि एस इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। चलो इसमें थोड़ा सा यूनिट की चर्चा करते हैं। यूनिट क्या होगा देख, तो यूनिट ध्यान से देखो तो यही हमारा टर्म है, लिख लेना बच्चों सब या स्क्रीनशॉट कर लेना है आपको। तो अब देखो, चलो यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट की बात करो तो एस का क्या हुआ है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल को, मतलब यह हमें क्या है? एनर्जी है ना, या इतना एनर्जी दोगे डेल्टा क्यू। तो क्या है जूल में का लिखते हो? एनर्जी सप्लाई को कितने लिखोगे? जूल में। मास है तो क्या लिखोगे? केजी में। और डेल्टा टी है और हम किस में एसआई यूनिट लिख रहे हैं तो केल्विन लेंगे, केल्विन। तो बच्चों हम क्या लिखोगे? जूल पर किलोग्राम केल्विन। यह हमारा क्या हुआ? यूनिट हुआ, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। यदि आपको सीजीएस यूनिट चाहिए, सीजीएस यूनिट, तो क्या लिखोगे? जूल की जगह अर्ग लिखना पड़ेगा, अर्ग, और किलोग्राम की जगह ग्राम लिखना पड़ेगा, और डिग्री सेंटीग्रेड लिखना पड़ेगा। तो यही हमारा क्या है? इसको हम अर्ग पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? यह सीजीएस यूनिट हो गए, और ऊपर वाला क्या है हमारा? स्पेसिफिक हीट यूनिट, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट हुआ। ये डायमेंशन की बात कर लो तो क्या होगा डायमेंशन? देख तो जूल है, किलोग्राम है, और एक केल्विन है। तो केल्विन को डायमेंशन लिखने के लिए के ही यूज कर लेते हैं। मास के लिए क्या यूज करते हैं बोलो तो? मास के लिए कैपिटल एम, और ये जूल है ना, तो जूल को हम क्या लिखोगे? देख तो थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत। याद करो बच्चों, जूल को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर। न्यूटन को क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर सेकेंड का पावर -2 मीटर, यही ना लिखते हैं जूल। और नीचे क्या है? किलोग्राम है और केल्विन है। दिस से दिस गैप ना, केल्विन किलोग्राम से किलोग्राम गैप। तो डायमेंशन लिखोगे क्या? अब बचा क्या? पहले देख लो तो एम का पावर स्क्वायर, एस का पावर स्क्वायर, और के का पावर -1 ना। तो डायमेंशन लिखने के लिए एम तो है नहीं, तो एम का पावर 0, एम नहीं मतलब किलोग्राम का पावर है ही नहीं टर्म, तो एम का पावर क्या लिखोगे? 0। एल का पावर क्या लिखोगे? 2, मतलब यहां
टी का पावर क्या लिखोगे माइनस टू और के का पावर क्या लिखोगे माइनस वन, यही हमारा डायमेंशन होगा। इस तरह से हम सब चीज आपको निकाल के बताए हैं। टेस्ट डेट्स इट।